अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है संडे की सुबह, थोड़ी लेट सुबह हुई है और देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं छोले। मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने मम्मी से रात में प्रॉमिस किया था कि कल मैं कुछ बनाऊंगी, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। शामदी सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और अभी हम आपने देखा होगा हम लोग बना रहे थे छोले, क्योंकि आज संडे है तो हम लोग सोचे कुछ स्पेशल खाएं। आपको भी मैंने पहले ही कहा था कि जब संडे होगा तो हम लोग कुछ अच्छा खाएंगे। बाकी दिन हमने थोड़ा सादी सब्जी खाई थी, तो आज क्या बन रहा है अम्मी? छोले। और उसके साथ अब जो बनाए पूड़ी बनाए, रोटी बनाने का, क्योंकि पता है बच्चों को बहुत शौक होता है। तो रिजा रेहान को खिला देंगे, बहुत दिन से नहीं बनाई तो पूड़ी सही रहेंगी, है ना। तो छोले और पूड़ी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप सबको भी पसंद होगा। तो आज हम बस वही बना रहे थे। आज पूरे सभा बनाएगी नहीं, सब प्याज भी सभा ने पीसी सब कुछ। वो तो बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, प्याज पीसना। लेकिन मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी, बता दूंगी। और पूरी तो बन जाएंगी, लेकिन मीठे में समझ में नहीं आ रहा जो कल बनाया था। वो भी कल ही खाया था फ्रेंड्स। मैंने कल बहुत अच्छी चीज बनाई थी ब्रेड की, आप सबने देखी होगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस वो रखा हुआ है। हाँ। लेकिन रेहान को जो मीठा खाना होगा फिर वो बना देंगे। मुझे ब्रेड का बनाया था, इतना अच्छा बना था कि आप कभी भी खाओगे तो ऐसे लगेगा रस मलाई खा रहा है, बाहर की नहीं खाओगे, बस वही खाओगे। और झट से बनाया, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर दो तीन इंग्रेडिएंट से बन गया था, बहुत ही अच्छा था। और हमने तीन चार दिन ब्लॉग्स भी नहीं बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि पता है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब से भाभी नहीं है ना तो इतना बोरिंग लग रहा है, बहुत उसकी याद आ रही है सर। और ये आखिरी के दिन तो और नहीं कट रही, कब आए कब आए, उससे बात करी थी तुम आ जाओ, बस अब अच्छा नहीं लग रहा। वो वहाँ पे इतनी दूर है, उदास है, भाई भी यहाँ पे उदास है, उन भाई को देख के हम सब उदास है। बस ऐसा लगता है कि जल्दी से आ जाए। दोनों में बहुत मोहब्बत है ना माशाल्लाह, अब इतनी दूर पहली बार इतना आए तो अजीब से लग रहा है। वही तो, और हम लोग को भी नहीं अच्छा लग रहा है, घर के घर में ना चहल पहल ही नहीं है, भाभी नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। आती है, हंसाती है, बैठती है, दुनियादारी की बातें करते है, एकदम सूना साना पड़ा रहता है, वो नहीं है। तो वही तो, बस एक दो दिन की बात है, आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी आ जाए। अभी जा रही छोले बना रहे मैडम, जा रही है। नहीं बना लेंगे, नहीं नहीं अच्छे बनाएगी देखने। तुम मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में जोहर की नमाज पढ़ने। हाँ। सब कुछ यही करेगी आज। नहीं, मुझे ऐसे सिंपल वाले बनाने, जैसे बचपन में मम्मी खाने नहीं जाते थे। हाँ, हाँ। जैसे शादी होती है। हाँ। या वो जो बचपन में मम्मी क्या खिलाते थे, कन्या खिलाती है तो वो सब बुलाते थे बिल्डिंग में, जब आते थे कॉलोनी में बहन भोपाल में, तो सुबह सुबह सब आ जाना, सालों को पीछे से घर में ले जाते थे बना के। तो वो सिंपल वाले वैसा खाने का मन कर रहा है, तो देखते गीले ऐसे, मतलब सब ज्यादा कुछ डालना नहीं, सादे बिल्कुल बस। तो ठीक है, देखते हैं बनते हैं कि नहीं। और देखिए हमने गैस ऑन करा, उसमें हमने कढ़ाई रख दिया, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और हमने दो चम्मच जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद हमने तीन चार प्याज को पीस के रखा था, वो डाल दिया है और प्याज को अच्छा भूनेंगे। आधा जब भून जाएगा उसमें दो चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। क्या देख रहे हो? वेदर चेक कर रहा हूं। क्यों, यहाँ नहीं दिख रहा है तुम्हें? इतनी धूप निकली है, फोन लेने का बहाना चाहिए। अच्छा वेदर चेक कर रहे हो? वो बता रहे हैं कि आगे वो थर्सडे से बारिश होएगी। तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ बारिश ना हो। फिर पानी कैसे पियोगे? वो भी सही है, लेकिन फिर बारिश हो जाती है, मैं फिर आप इतना भी नहीं नीचे जा सकता, वॉक भी नहीं कर सकते, फिर आप स्लिप हो जाते हो। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, थोड़ी थोड़ी होना चाहिए। नहीं रेहान, थोड़ी तो हो जाने दो, नहीं पानी की जरूरत है। नहीं तो थोड़ी भी, तुम तो शुरू में ही मना करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता, थोड़ी होने दो, जब ज्यादा होगी फिर दुआ करना कि ना हो रेहान तुम। और जब वो अच्छे से भुन जाएगा तब हम उसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, अपने हिसाब से आप टमाटर डाल सकते हैं ज्यादा या कम। और नमक, हमारे मसाला अच्छे से भुन रहा है फाइनली, क्योंकि उसका ये रीजन है कि मसाले ने ना तेल को एकदम छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम ब्रेकअप कर लिया है कि तुम अलग हो जाओ हम अलग हो जाते हैं। लेकिन मसाला चालाक बड़ा होता है, पहले यूज कर लेता है, पहले भुन जाता है, उसके बाद तेल को छोड़ देता है, बहुत चालाक है। हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट छोले मसाला। वैसे पता नहीं इतना जरूरी होता है या नहीं, क्योंकि घर के गर्म मसाले से भी बन जाता है। अम्मी ने तो आज तक नहीं डाला ये सब छोले मसाला या मटन मसाला या चिकन मसाला, जो भी घर के मसाले होते हैं अम्मी उसी से बनाती है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब बनाया है कंपनी ने छोले मसाला तो उसको ट्राई करना चाहिए ना। और इसके बाद हमने उसमें डाल दिए थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जैसे ही मसाला ऐड किया उसमें मिर्ची डाली तो खांसी आने लगी, मिर्ची का भी ना बहुत नाटक होता है। तो अभी मसाला थोड़ा भुन रहा है, उसमें ना थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि वो
अच्छे से हो नहीं रहा था, जम रहा था। बस अब ये सब हो गया, थोड़ी देर बाद छोले ऐड कर देंगे, फिर हम बनाएंगे पूरी, हम सब की फेवरेट। और यहाँ पे रिजा, जो मैंने सारा चीज़ें फैलाई है उसे समेटने में रिजा मेरी हेल्प कर रही है। और रिजा, और क्या तुम्हारा आज का प्लान है? तुम लोग के तो हर दिन बराबर है, संडे हो या मंडे, है ना, एवरी डे इज अ हॉलीडे। बहुत गर्मी है और किचन में तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है, जब तुम कुकिंग करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम वैसे करने वाले थे, एक दो दिन में रेहान हम सबको कुछ बना के खिलाएगा। जब से भाई ने बनाया ना चिकन, तो इसको इंस्पिरेशन मिल गई है, इसको ऐसा लग रहा है चुटकी भर का काम है, तो कह रहा मैं चिकन बना के खिलाऊंगा। हमने कहा ठीक है बेटा, देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो करना है, दिन भर ऐसे संडे है, कुछ खाली तो नहीं जाना चाहिए। चलो लेकिन थोड़ी देर डोरेमोन देखे क्या? अरे चलो फ्रेंड, मुझे इतना ज्यादा पसंद है डोरेमोन। ये कोई भी कार्टून देखता है ना तो मैं कहती हूँ बिल्कुल मत लगाओ, मतलब सॉरी पोकेमोन लवर्स, लेकिन मुझे नहीं पसंद, लेकिन डोरेमोन तो मतलब मुझे इतना पसंद है, कोई मुझे दिन भर भी दिखाएगा तो मैं देखूंगी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है बताइएगा? मुझे पसंद है, मुझे जियान भी पसंद है, मुझे नोबिता पसंद है, मुझे डोरेमोन पसंद है, रेहान को शिजुका नहीं पसंद, मुझे भी कम पसंद है। वो जब उसका यहाँ फायदा होता है तो उससे दोस्ती कर लेती है, वहाँ डेगी सूखी से कर लेती है, वहाँ नोबिता से भी लेती है। अम्मी हाँ। छोले में टमाटर डालते हैं या नहीं? हम लोग सब कुछ डाल देंगे, सब कुछ, और कैसा बनता है फिर वो आपको बताएंगे। कर दो पढ़ रहे थे तो बहुत खुशबू आ रही थी, इसलिए मैंने कहा पहले नमाज पढ़ने से पहले एक बार देख के आ रही हूँ। नहीं अभी देख लो और बता भी दो, फिर हमारा मसाला ना जल जाए। उठाओ मुझे कोई, ये बीन जली जाता। अम्मी जब फ्रेंड छोले बनाती है तो ये सब चीजें भी डालती है, तो अम्मी ने सोचा कि शालू ऐसे बनाएगी, तो उन्होंने ये सब पीस के रख दिया, तो अब हम इसे जाया नहीं करेंगे, मतलब अब हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसे खसखस, नारियल, थोड़े दो तीन काजू, बस सबको अच्छे से मिला दिया है, तो अच्छे हो जाते हैं, टेस्ट अच्छा जाता है, और फिर वो नहीं चने वो अलग अलग रहते हैं, और जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से क्या हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, ठीक हो जाती है। डाल लो अम्मी, ये तो मेरा आपका सबका मिक्सचर हो गया, अब ये क्या बनेगा? नहीं तो मुझे बनाया पूरा, मेन तो मसाला होता है ना। नहीं हमने कुछ नहीं डाला, दुनिया के हर एक चीज का एक ही मसाला है, प्याज टमाटर तेल और जीरा, बस। हाँ बस, फिर आपने चने डाल देना, ठीक है, लेकिन तुम्हें बनाया है अच्छा बना। देखो एज ऑलवेज अच्छा बना तो मैंने बनाया है, बिगड़ा तो अम्मी आपने आके ना बीच में मिला दिया, बस इसीलिए खराब हो गया। अरे नोबिता की आवाज निकाल के बताओ, समझो तुम मुश्किल में फंसे हो और मैं फिर आऊंगी। नोबिता नोबिता तुम कहाँ थे? नोबिता मैं डोरेमोन हूँ। नहीं मैं डोरेमोन हूँ। अच्छा अच्छा मैं नोबिता हूँ। डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दो। डोरेमोन कदर भी आ गया, इसकी नोजी में क्या लगा है? लग गया, कल से लगा। ऑमलेट कब देना है? दो बजे, आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में। चलो तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ पूरी का, ठीक। कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मतलब थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दूँ। देखो मैं मसाला हो गया, काफी देर से डाला था क्या? ये तो नहीं सोचा था ना अम्मी कि आप उसमें आके नारियल और वो सब भी डालोगी, उसके हिसाब से हमने तेल डाला था। नहीं ठीक, तेल कम ही सही है, डाल दो। हाँ लेकिन छोले आधे डालना। हाँ बहुत ज्यादा दिया है, और अभी फिर भाई का भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो चाय कैसी हो रही है? गिरने वाली है। वो बोल रही है आप बचा सकते हो तो बचा लो, मैं एक मिनट और इंतजार करूंगी। तो भाई का ऑमलेट और चाय हम भेज देंगे, उसके बाद फिर पूरी बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। ये क्या कर रही हो? जेब काटी थी। क्यों? वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जेब तो लोग पसंद करते हैं, कुर्ते में जेब मिल जाए तो बहुत आसानी होती है, आप क्यों काट रही हो? मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा काट ली, एक और बचिए। वो कटेगी तो वहाँ से फटेगा नहीं? नहीं नहीं। अच्छा और जेब जैसे डालो तो, हाथ डालो तो, रुको डालो हाथ जेब में आप। ले ये क्या? काट लिया। अम्मी अब क्या करोगी? कुर्ता काट लिया। अपने पॉकेट काट रहे थे कुर्ते की, और देखो उन्होंने क्या किया। कुर्ता सीधा करो, कुर्ता जेब में सीधा, हाथ डालो।
आगे कपड़ा लगा है वो काट दे। अम्मी आपने क्या, तो आपको इतनी अकल नहीं आई? पता नहीं, हमने यही सोचा कि वो जेब के आगे कपड़ा है, जेब है उसको काट दे, अंदर सिलाई रहेगी। अभी कैसे सिलेगा दिखाओ, यहाँ सिर पाएगा या नहीं? जोड़ जाएगा ना। अब जब टेलर, और टेलर भैया अभी तो नहीं है, अब जब आएंगे तभी सिलेगा। आप इतना कमर दिखाओ एकदम। जी देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लटक रहा है, ये दिमाग में नहीं आया कि जेब है ये। तो हमने कहा इसको काट दे, अब बस फिर पतला हो जाएगा। आप जब टेलर भैया आएंगे तभी सिल पाएंगे। लग रहा है कि आजकल के अंडे भी कमजोर हैं, क्योंकि जब मैं 3 अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ ना तो ये पूरा फुल हो जाता है, और आज भी मैंने 3 अंडे का ऑमलेट बनाया लेकिन ये आधा हो रहा है, पता नहीं। पापा पूरी खा लोगे या रोटी छोले से? रोटी। क्यों नहीं आज रोटी? पापा कभी तो कुछ खाया करो। अच्छा पसंद करता है ना? नहीं करेंगे। क्यों, पसंद क्या है आपको? रोटी। रोटी चलो ठीक है। अच्छे बने। पक्का? पापा को नहीं अच्छे लगे? नहीं, पापा को बस क्या है कि गाढ़े नहीं अच्छे लगते। हाँ, उनको ग्रेवी उनको, पसंद। हाँ, वो पसंद है। सही है, बिल्कुल सही है। तुम खुद ही खा के देखो। अभी खाऊं? नहीं, मुझे छोले ऐसे नहीं पसंद, उसमें धुआं निकल रहा है, इतने गरम गरम खिला रही हो। मम्मी एक उससे दो। बताओ। अच्छा, तुम यकीन नहीं कर रही? दिल नहीं मानता ना। नहीं, तुम्हारा मसाला अच्छे भुन गया था। बहुत अच्छे बने। प्लान जरूर बनाना, बहुत अच्छे बने, मजा आ गया। दीदा तुम भी खाओ। चटपटे है ना? चटपटे, जैसे चाट खाते ठेले ऐसे लग रहे हैं। अच्छे, ठीक है। पूरी कितनी फूली हुई बनी है, और अभी 10 मिनट से फूल पिचकी भी नहीं है। फ्रेंड्स, आज एक पूरी बनाने की सबसे अच्छी टिप दूंगी कि डायरेक्ट बना के डायरेक्ट तलो। अगर आप बहुत सारी बेल के रखते हो तो देखो ये कैसे चिपक जाती है। पानी पूरी कब? कल बना देना शक्ति, कल। अम्मी यही वाली पूरी सही से फूल नहीं रही है, वो तो फूल चुकी, अगले जन्म भी फूलेंगी। आओ फिर चैलेंज भी कर लेंगे। नहीं, हम हार जाते हैं, चैलेंज नहीं कर रहे। अरे एक बार ट्राई कर लेंगे, तुम जो नहीं जीत पाओ। अरे एक जैसे पानी पूरी चैलेंज में कोई नहीं जीत सकता, और पिछले बार सारा थी तो वो जीत गई थी। कुलकुले में पूंछ थी, उसमें तो होती थी। देखो सालू की पूरी में भी पूंछ है, ये रिहान ने तोड़ दी जल्दी। ये देखो जब भी बनाओ साथ साथ बेलो और साथ साथ उसमें डालो। हाँ। इसमें क्या हो रहा है, चिपक गई सब एक के ऊपर है। ये देखो, अरे वो चिपक गई एक के ऊपर है। थोड़ा सा आटा लगा दो ना। आटा भी लगाते लोग कहते हैं, फिर अभी बोलेंगे सब आपको पूरी बनाना नहीं आता, पूरी में आटा नहीं लगाते, तेल लगाते। हाँ, तो अब अगले बार ऐसे ही करेंगे, लेकिन देखो तो रेहान ने जल्दी से छोड़ दिया। क्या कर रही हो? शक्कर। क्या शक्कर पूरी? हाँ, जितना भी कुछ भी खा लो। हाँ। जब एकने वाला सब तक शक्कर से न खा लेंगे ना। हाँ। तो दिल का बोध नहीं होता। रोटी को अंदर उसमें लगा के हमें देती थी। हाँ। है ना? हाँ, ये शक्कर पूरी का खाओ। हाँ। तो एक ये तो खैर छोले हैं। हाँ। चटपटे अच्छे लगते। हाँ। लेकिन अब शक्कर पूरी का मजा एक अलग ही है। अच्छा। बस अब ज्यादा भी मीठा नहीं, हो गया एकदम। नहीं बस ठीक है, हो गया। और दे दो। नहीं चलो, एक नहीं वाला बस बहुत है, दिल का तसल्ली हो गई ना। ज्यादा खाओगे तो ऐसे खाते चले जाओगे। देखो पहले शक्कर पूरी क्या मजा आता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 1 किलो छोले थे तो ये इतने सारे कैसे हो गए, आधा किलो थे, पता नहीं कितने थे। गलाए थे, मैंने नहीं गलाए, जब पैकेट देख नहीं पाई। तुम पैकेट 2 किलो का तो आता नहीं? नहीं इतना नहीं, मुझे लग रहा है वो बड़े हो जाते हैं। 1 किलो होंगे? 1 किलो, 1 किलो का। हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब अगर आप पाव भर भी बनाओगे तो 8-10 लोगों के लिए हो जाएंगे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कल जो आधे बचे हैं ना, प्याज हरी मुझे टमाटर डाल के तल लेना। चाट बनाएंगे? हाँ, चाट बनाएंगे। हाँ। ठीक है, उसकी रेसिपी अगर आप अभी इसमें देख रहे हो, ये ब्लॉग आज चला जाएगा, तो आप प्लीज रेसिपी बता दीजिएगा कोई छोले की अच्छी चाट की, तो वो जो बचे हुए छोले हैं उसकी हम लोग चाट बना लेंगे। मिलेगी इमली है? रखी है। हाँ चलो, इमली मिल गई। कितनी? 5 पैकेट। हाँ। 5 पैकेट इमली, वाह। तो फिर तो हम छोले की चाट बनाएंगे, और रात दही बड़े भी बना लेंगे। रिजा इधर कड़ल से थोड़ा नजर हटा लो। अच्छा अच्छे लगे? हाँ ठीक है।
पापा अगली बार आपके लिए अलग से निकाल के ग्रेवी ज्यादा कर देंगे, ठीक है? थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा सा हल्का सा बस, सुबह अम्मी बना देती है ना, हाँ उनको ग्रेवी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं सुरुआ, शोरबा, हाँ सुरुआ, सुरुआ बोलते, सीरा बोलते, कोई ग्रेवी बोलता, कोई सीरा बोलता, कोई रसेदार बोलता, हाँ। है हमारे मौदा बोलते सुरुआदार सब्जी बना। अच्छा, बनाया था मैंने कल ब्रेड का, बहुत ही यम बना था, जिसके बारे में अम्मी आपको बता रही थी। ऊपर ये उसकी लिक्विड जो डब्जी डालनी है, ये भी घर पे बनाई थी। इसमें पता नहीं आप इसे क्या बोलते हो, लेकिन ये बहुत यम था, दो तीन इंग्रेडिएंट से बना था और सबसे इजी, एकदम झटपट ना अम्मी, मैं बस गई और बना के ले आई। आज जिंदगी में, जिंदगी जब से मैं इतनी उम्र हुई, पहली बार ब्रेड की ये चीज, मैं से पीस बहुत सारी चीजें ब्रेड की बनती हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार ये चीज खाई, ये जरूर खाना। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना, मैंने वो वाला कंसीलर ऑर्डर किया है, तो वो आज आ गया है और अभी हम इसे ट्राई करेंगे। अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ अपने फेस पे, सनस्क्रीन तो लगा ली है और अभी मैं अपना न्यू वाला कंसीलर लगाऊंगी और देखते हैं मुझे कैसा लगता है। है फ्रेंड्स, ये वाला कंसीलर मुझे अच्छा लगा, वो काफी इजी हो जाता है वो इरेजर से लगाना, लेकिन वो ना कुछ उस काम की नहीं है, लेकिन कंसीलर अच्छा है। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लूँ। कितने प्यार से देख रही हो अपनी कबूतरों को, हाँ इतनी मोहब्बत है आपको। खा रही थी ना वो लोग। अच्छा, क्या लगा, खुशबू आ रही? कुछ नहीं, तैयार हुए हैं, नहीं फोटो खींचने, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अम्मी को इतना ज्यादा टेंशन हो गया है कि तुम इन चप्पलों में चलोगे कैसे, खुली है ये तो पूरी, पूरी खुला है देखो। नहीं नहीं, यहाँ से बंदी अम्मी ऊपर से, बहुत कम्फर्टेबल है, कितना भी वो बंद हो, पूरा पैक कूलर लग रहा है देखो तो। नहीं नहीं, आराम है अम्मी इनमें, वो लोग ध्यान से बनाते हैं। एक बार गिर गई थी ना। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे नीचे फोटो क्लिक करने, संभाल संभाल के चल रही हूँ, कहीं सही में ना गिर जाओ। रेहान ने सही बोला कि बारिश ना आए, तो सच में धूप इतनी ज़्यादा आ गई है और मुझे पता नहीं इस बार बारिश क्यों अच्छी लग रही है। वैसे मुझे बारिश कम पसंद होती थी, मुझे डर भी लगता था, किसी ने रोटी फेंक दी है यहाँ पे, रख देते हैं, कोई खा लेगा, बिल्ली खा लेगा। आज संडे है ना, तो जो पार्किंग हमें खाली मिलती थी, आज वहाँ पे कार खड़ी है, लेकिन हम इतने में क्लिक कर लेंगे। आज धूप बहुत अच्छी थी, लोकेशन भी सही थी, टाइमिंग भी सही थी और मुझे लगता है आउटफिट भी अच्छा था, तो बहुत जल्दी फोटो आ गई है, हमें बहुत टाइम नहीं लगा फोटो लेने में, मतलब रिजा को भी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी है और मेकअप भी मैंने अच्छा किया था। रिजा ने फेस पे फाउंडेशन वाउंडेशन नहीं लगाया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी और यहाँ पे ब्लश लगाया। रिजा का सहारा लेके ऊपर चल रही हूँ, क्योंकि गिर गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे ना अभी टेंशन है कि मुझे अभी ये ब्लॉग एडिट करना है, मतलब आज ही और आज ही डालना है, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा एक दिन का गैप रख के डालती हूँ, लेकिन आज काफ़ी दिन से नहीं डाला और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्लॉग नहीं आया, तो मैं आज ही डाल। देखो फ्रेंड्स, दो तीन फोटो डालनी होती है सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम पे, उसके लिए एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे की मेहनत होती है। पहले आप निकालो, फिर आउटफिट में आयन करो। खैर ये तो जॉर्जेट का था तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कॉटन का होता है तो प्रॉपर आयन करना पड़ता है। उसके बाद आप रेडी हो, मेकअप करो, जाओ। रिजा छोटी है ना, तो उसे एकदम से एंगल नहीं पता है, तो क्या होता है कि कम से कम 50 से 100 फोटोज़ क्लिक करनी होती है, वो बस करती जाती है करती जाती है। फिर इत्तेफाक से उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि इसमें मेरा फेस सही आए या फिर मेरा एंगल सही आए, तब वो जाके दो फोटोज निकलती हैं। फिर उसे सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसे एडिट करो, फिर उसे डालो, और फिर सब कहते हैं अरे आपका काम बहुत ईजी है, आपको बस फोटोज तो ही डाल देनी है, रेडी तो होना, ऐसा नहीं होता है। और रोज रोज अपने फेस पे ये सब लगाना भी मुझे ज्यादा पर्सनली नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी फोटो के लिए और आउटफिट के लिए आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि जिसकी चीज आई है वो बेस्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, जैसे अभी भी देखो मैंने फाउंडेशन वो सब नहीं लगाया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, वरना बहुत सिंपल लगेगा, फिर वो आउटफिट उठ के नहीं आएगा। अभी देखो मैंने जल्दी से दूसरा वाला आउटफिट भी पहन लिया है और मुझे लगता है लिपस्टिक सेम चली जाएगी, तो निकालने की जरूरत नहीं है। गर्मी है इधर, जैसे बारिश करवा दो, जब वो लगाना होना चाहिए ना। मेरा यार कह रहा है बारिश की जाए, तीन बारिश हो जाए।
ये सेकंड वाली चप्पल थोड़ी अजीब थी, पैर में बहुत दर्द हुआ। देख रहे हो रेहान, रेहान मैंने भी कर लिया। क्या? वाओ, क्या तुम करके बताओ? क्या इधर इधर आओ, इधर देखो, इसमें करके बताओ। मेरा पास हाँ। मैं कर रही हूँ, ठीक है देखना। यहाँ क्यों दबा रही हो अपनी? मैंने किया तो, लेकिन एक हाथ बंद करके एक हाथ खुलना फिर बंद करना, फिर ये तो कोई भी कर सकता है। ये देखो, ये देखो, एक आंख आप दबा रही हो, एक को उठा रही हो, फिर एक को नीचे कर रही हो, फिर एक को उठा रही हो, आप आंख नहीं दबा रही अपनी, मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो सिखाओ ना मुझे। हाँ तो फिर वो कुदर फ्रेंड्स, एक बार मैंने कितने दिन सीखा था वो फ्लॉस, वो अभी तक मुझसे नहीं बना। करके दिखा रहे हैं नीचे से, और थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी पता नहीं क्यों, मुझे धूप में मैंने बहुत फोटोज क्लिक करने के लिए ऐसे ऐसे घूम लिया, और यहाँ पे रेहान साथ भी प्रैक्टिस कर ली, कुछ बना ही नहीं, तो मुझे बड़ी वीकनेस ही लग रही थी। और ये लोग कुछ तो खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये और रिजा ना कुछ तो बात कर रहा है, रिजा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चाय। मेरी चाय भी आ गई है और मैं थक गई थी, पता है फ्रेंड्स, हम लोग ने उस वक्त उतनी ही पूरी बनाई थी जितनी हम लोग खा रहे थे, अभी एक भी नहीं बची, एक बची थी रिजा, उसमें क्या हो गया, उसमें कॉकरोच आ गया, तो वो हटा दी, तो रिजा ने मुझे एक पूरी बना के दी। अभी बताओ तुम लोग क्या क्या प्लान कर रहे हो? हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। सही बताओ, नहीं कर रहे, सही बताओ। हाँ ना, नहीं कर रहे, कुछ बना रहे हो क्या? नहीं, क्या बना रहे हैं, सब खड़े यहाँ पे। तो फिर कैसे धीरे धीरे फ्रेंड्स, अभी मैं अभी आपको थोड़ी देर से दिखाती हूँ, देखने लोग कुछ तो बात कर दे। और ये है चाय, नहीं आ रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ खाने को भी अभी बना ही लिया था, तो क्या बनाएंगे? मेरे इंस्टाग्राम पे भी 700K नहीं हुए हैं, अभी 635 हुए ना रिजा। हाँ, जल्दी से 700 करा लो। यहाँ पे अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये देखो, अरे वाह भाई, ये देखो देखो देखो, हाय करो, हाय, इसकी फूली हुई पूरी दिखा दे, ये ले फोन, अरे फोन क्या कर रहे हो? शाम का वक्त बहुत प्यारा हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। अब मैं यहाँ बैठ के सुकून से अपना व्लॉग एडिट करूँगी क्योंकि मुझे आज ही डालना है। और आप पीछे देख रहे होंगे कि रूम फिर से वैसे हो गया है, कपड़े निकल गए हैं, मैंने उन्हें नहीं रखे हैं क्योंकि अब मैंने सोचा है जो मैं नहीं पहनती हूँ बहुत वक्त से, मैं उसे निकाल दूँगी, हम कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दे देंगे, कुछ रख देंगे। कुछ होता है ना, कभी अभी पहनने का मन नहीं करता लेकिन 6 महीने बाद याद आता है वो वाला कपड़ा, तो फिर निकाल के पहन लेंगे। कुछ खाले लोग आती हैं तो वो लोग ले लेती हैं, हम लोग आपस में सब मिल बांट के कपड़े पहनते, मैं भी भाभी के कपड़े पहन लेती हूँ, कभी भाभी हम लोगों के ले लेती हैं, हम लोग सब मिलके एक दूसरे के ऐसे पहनते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं किसी का पुराना या कुछ ऐसा है, आप सब भी घर में ऐसे ही करते होंगे। तो अभी मैं जल्दी से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद आप। क्या तुमने सीढ़ी बना ली है रिजा? मेरी हाइट ही नहीं पहुँच पाती इतना। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी मैंने सोच लिया है कि मुझे अलमारी निकालो, यहाँ पे ही तुम लोगों को रखने को मिलता है। ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अलमारी चेंज कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह इसमें वेस्ट होती है, और ये अंदर से ये वाली भी टूट गई है, और अगर आप ये देखें तो ये इसका मिरर भी टूट गया है। और देखिए ये ऊपर इतनी सारी चीज़ें रखी हुई, बहुत अजीब लगती है। तो हम लोग एक ऊपर से नीचे तक पूरा एक कबर्ड बनवाएंगे जिससे जो जगह वेस्ट हो रही है ना वो नहीं होगी। तो अभी देखते हैं लॉकडाउन के टाइम पे मिलता है या नहीं। सरप्राइज था, मुझे नहीं पता चला है, और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अम्मी अभी 9:45 हो गए और मुझे अभी एडिट करके अभी डालना है, पता नहीं रात में कोई देखेगा या नहीं देखेगा। और अम्मी के मुंह से तो कुछ निकला है कि इनका केक, इनका सरप्राइज फूट गया। रिजा इधर आओ, जरा मुंह से दिखाओ, इधर आओ रिजा, कौन सी खुशी में भैया? अरे ऐसी खुशी थी। चलो अभी हम ये ब्लॉग एंड कर रहे हैं, उसको फ्रिज में रख दो, जो भी तुमने किया वो कल करते हैं। चला, अरे ये ब्लॉग बेटा स्पॉन एंड नो हो गया, मैंने लोगों से वादा कर लिया है। अरे तो अभी कर दे। हाँ तो वो नए ब्लॉग में करते हैं बेटा, सीरियसली स्पॉन एंड नो हो गया, ये ब्लॉग एंड करना पड़ेगा।
नहीं वो अभी कर लेते हैं, तुमने जो भी सोचा है। हाँ चलो अभी सबको अल्लाह हाफिज करो और बोलो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये अम्मी के पेट में बात ही नहीं रखती। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बस भाई ने एक दो दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं भाभी को, उन्हें कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। भाभी से बोलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।